नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पूर्वी सिंहभूम जिले के भाजपा सुंदरनगर के नवनियुक्त हरविंग के पदाधिकारियों का स्वागत समारोह करंडी चौक में आयोजित किया गया। इस दौरान पूर्वी विधायक मेनका सरदार मुख्य रूप में मौजूद रही। इस कार्यक्रम का आयोजन सुंदरनगर भाजपा मंडल अध्यक्ष चंचल चक्रवर्ती के नेतृत्व में किया गया था, जहाँ सुंदरनगर भाजपा मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी विंग के पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पूर्व विधायक मेनका सरदार ने सभी को फूल माला पहनाकर पार्टी में मिले दावित्य के लिए उन्हें बधाई दी। वहीं जानकारी देते हुए पूर्व विधायक मेनका सरदार ने कहा कि पार्टी में नवनियुक्त पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए केंद्र की योजनाओं को घर घर पहुँचाने का काम करने के साथ ही पार्टी और मजबूत हो इसके लिए पूरी ऊर्जा और निष्ठा के साथ अपने दावित्यों का निर्वाह करेंगे। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी को देखते हुए सम्मान समारोह के साथ साथ लोगों के बीच मास्क का भी वितरण किया गया। सर, मैं जो हमारे संगठनिक परंपरा के आधारित जो भारतीय जनता पार्टी और उसी के तहत जो नव निर्वाचित हमारे विभिन्न पदों का जो खाली था उसको जिला में पिछले दिन घोषणा हुआ और घोषणा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक परंपरा है कि उसको सम्मानित करके अपना दायित्व तो देना है और उसी के तहत आज सुंदरनगर मंडल अध्यक्ष चंचल चक्रवर्ती जी ने आज करौली चौक में सम्मान कार्यक्रम आयोजन किया है और इस कार्यक्रम में हमारे संसद प्रतिनिधि उपस्थित हैं, साथ साथ हमारे अभिभावक स्वरूप मुरली जी, समिति सदस्य सुनी माई जी, ललन जी, सारे लोग जिला के कई पदाधिकारी उपस्थित हैं। तो निश्चित रूप से जो आने वाला दिन में जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री अपना इस कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए देश का विकास कर रहे हैं और उसी तरह हम लोग भारतीय जनता पार्टी झारखंड में विपक्ष का भूमिका कोरोना को ध्यान में रखते हुए छोटा मोटा इस तरह का संगठनिक कार्यक्रम को जारी रखना है और आने वाला दिन में भारतीय जनता पार्टी झारखंड में इस तरह पहले सरकार था उसी तरह, क्योंकि वर्तमान जो सरकार आज खाली भाषण दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। हेमंत जी को इस कोरोना काल में इससे किस तरह लोगों का वैक्सीन की व्यवस्था या बीमार लोगों का रहने का या ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाया, तो उसको किस तरह आज केंद्र सरकार मोदी जी ने सहयोग करने के लिए तैयार है कि अपना हाथ झाड़ रहा है। इसको खिलाफ भी हम लोग को आंदोलन चलाना है और जो केंद्र सरकार द्वारा जो फ्री वैक्सीन के साथ साथ जो जून से लेके काली पूजा तक जो फ्री अनाज लोगों का इस कोरोना काल से आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त हो गया, इसको सुधारने के लिए लोगों का तकलीफ नहीं हो इसके लिए हर व्यक्ति को 5 किलो हर महीना में फ्री देने का जो वादा किया है उसको भी हम लोग का संगठन के माध्यम से उसको ठीक से करे, इसको भी देखना है। आज के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज की पूरे टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।